हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बिग बुल 420 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। आने वाले कल में मार्केट किस प्रकार मोमेंटम कर सकता है, साथ ही साथ मंथली एक्सपायरी जो है इस बार वापस थर्सडे को होगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की साथ में, तो कल का दिन कैसा हो सकता है, आज का मार्केट डे टाइम फ्रेम पर कैसा है, सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, इतना सा आपका फर्ज बनता है। गाइज मेरे पास यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में बड़े बड़े दो लेवल्स बैंक निफ्टी के दिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि अभी जो मार्केट में लास्ट फ्लो आया है वो एकदम अच्छा खासा बेरिश फ्लो आया है, जो कि अपनों को काफ़ी अच्छा एक डाउन ट्रेंड शो करता है, लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा एक पुल बैक। ऑब्वियस बात है, अगर मार्केट यहाँ पर क्या करता है कुछ इस प्रकार से रिएक्ट करता है, समझिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिएक्ट करता है ठीक है ना, ये यहां से वापस नीचे जाता तो ये एक पुलबैक हमारे लिए होगा, वो भी बहुत शानदार वाला। तो ये मेरा अभी हाल फिलहाल में जो है अपने निफ्टी बैंक के मेरे लिए दो लेवल्स होंगे। कौन से भाइयों, एकदम सही सोचे हैं आपने, एक होगा ये, एक होगा ये। ये अपने लिए दो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। अब अपन इसे देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर कि अपना क्या व्यू और किस प्रकार अपन रख सकते हैं। गाइस अगर मार्केट 45,000 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, ब्रेकआउट होता है आने वाले कल के दिन में, तो अपन एक बुलिश ट्रेड हो सकता है। ज़्यादा अग्रेसिवली, ज़्यादा ओवर, ज़्यादा क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आपको रखना नहीं है जब तक मार्केट 45,300 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी ना करे, ठीक है ना। ये 45,000 अगर ब्रेक करता है तो 45,200-250 तक के टारगेट आपके बन सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए मार्केट इतने समय से तो कंटिन्यूसली क्या आ रहा था, एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन आपको मिलेगा मार्केट में देखने को, अगर आप कुछ इस प्रकार से मार्केट देखेंगे ठीक है। अगर आप यहां पे मार्केट कुछ इस प्रकार देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलेगा, पूरा कुछ इस प्रकार से। लेकिन अगर लास्टली देखेंगे आप तो यहां पर एक लोअर लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन भी मार्केट में बनता हुआ मिलने लग रहा है। अब अपन को क्या करना है कि अगर 45,000 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूं, 45,000 के ऊपर मार्केट अपनों को ब्रेकआउट दे देता है 45,000 के ऊपर, तो एक काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, चाहे फ्लैट ओपन हो गैप अप हो। लेकिन अगर मार्केट हल्का सा माइनर सा गैप डाउन ओपन होता है और जो लास्ट डे का स्विंग बना रखा है 90 का, मतलब वही 44,400 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आप लगभग 44,100 तक के टारगेट बैंक निफ्टी के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेरिश मोमेंटम, बेरिश फ्लो आपको अगेन बैंक निफ्टी का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में, निफ्टी 50 की क्या सिचुएशन है, निफ्टी 50 किस प्रकार यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है हमारे लिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक बार डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 को अगर अपन लेके चलें तो निफ्टी 50 यहाँ पर एक डोजी क्रिएट किया है अपने लिए। प्रीवियस डे का डोजी का लो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसके नीचे मार्केट निकलता है। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। हाँ भैया, मार्केट अगर क्या करता है 19,600 के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू करता है, सबसे पहला एक छोटा ही टारगेट यहाँ तक का रहेगा लाइक 19,550 का, 19,550 का। अगर 19,550 निकालता है तो फिर आप डायरेक्टली मार्केट को 19,500 तक के लिए इजी लेके चल सकेंगे। ये जो 19,550 है इसको रिस्पेक्ट दीजिएगा, इंपोर्टेंट लेवल ये आपके लिए रहेगा पुट साइड में। शर्त ये है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होता है, प्रीवियस डे का लो जो है ब्रेक होता है, तो एक काफ़ी अच्छा शार्प सेलिंग देखने को मिल जाएगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको प्लान करना है ओवरऑल, तो आप देखिएगा 19,734 के ऊपर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट आप लगभग यहाँ पर लेके चल पाएंगे। 19,800 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये दो सिचुएशन आपको निफ्टी 50 में ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में, फिन निफ्टी की क्या सिचुएशन है, किस प्रकार है फिन निफ्टी। अगर मैं यहाँ पर फिन निफ्टी के सारे लेवल्स एक बार हटा दूँ ठीक है, और यहाँ पर एक जो लेवल था इसका 650 का लेवल है फिन निफ्टी का, चलो मैं सारे शुरुआत से ही लगाता हूँ, बढ़िया रहेगा। हाँ, यहाँ पर अगर फिर निफ्टी कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिल रहा है
अगर यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार से जोन लगा दिया जाए, लेवल लगा दिया जाए, तो अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे जो लो अपना बन रहा है वो ये बन रहा है ऑन एन एवरेज। अगर 715 जो है लेवल ब्रेक होता है तो आपको लगभग यहाँ पे 650 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं। एज आई सेड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट लगा दिया हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर क्या करता है, मान लीजिए एक गैप डाउन ओपन होता है और 715 का लेवल ब्रेक करता है, तो ये 50 पॉइंट का एक शॉर्ट शॉर्ट रैली आपको देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर मार्केट में बाइंग देखना है, मिनिमम अगर आपको मार्केट बाइंग का चाहिए तो आप लगभग जो है, अब भाई यहाँ पे एक 20,000 का लेवल काफ़ी समय से अटका पड़ा, 19,920 के ऊपर ट्रेड कर सकते हो सी के लिए, लेकिन बी अवेयर थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्वांटिटी लो रखेगा। 20,000 तक के टारगेट आपके फिर निफ्टी में बन सकते हैं। 19,650 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर आपके लिए काफ़ी सारे लेवल्स खुल जाते हैं। 19,550 तक के टारगेट आपको देखने को 100 पॉइंट का और रिली मिल सकता है, बट 19,650 का रिस्पेक्ट आपको यहाँ पर फिर निफ्टी में करना पड़ेगा। गैस ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। इस वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। डेली हमारे साथ लाइव जुड़िए, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 बजे से दिन में 3 बजे तक आपके साथ लाइव भी जुड़ते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए द बिग बुल 420 के साथ। मिलते हैं कल मॉर्निंग लाइव 9 बजे इसी चैनल पर, तब तक के लिए मजा करिए।